So we are once again starting off with the first chapter in science class 8, which is crop production and management. Yesterday we did it till preparation of soil. आज इसके बाद का हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन. एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में मेजरली ये 7 स्टेप्स होते हैं. पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा होता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, तीसरा है एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा है इरीगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग और सेवन्थ है स्टोरेज. ठीक है, अब इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कल देख चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. प्लोइंग, प्लोइंग क्या होता है? Plowing or tilling होता है loosening or turning of soil using a tool or an implement called the plow. ठीक है, then the soil is level. Loosening of soil क्यों जरूरी है हमारे लिए? सबसे पहले soil जब loose हो जाता है तो वो breathe कर पाता है easily. जो roots है हमारी वो soil में ज्यादा deeper penetrate कर सकती हैं. जो fertilizers है वो uniformly mix हो जाते हैं. Side by side loosening of soil promote करता है growth of organisms such as earthworms, millipedes, bacteria and fungi. जो बहुत helpful है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए भी और सॉइल की अच्छी हेल्थ के लिए भी. नेक्स्ट आता है हमारा सोइंग ऑफ सीड्स. तो सोइंग का मतलब है हम लोग अब सीड्स को सोइंग के लिए हम पहले उसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा. तो हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, फार्मर्स रिक्वायरमेंट, हम लोग पहले ध्यान रखते हैं कुछ चीजों का सीड लेने से पहले कि वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, वायबल होने चाहिए और इन्फेक्शन फ्री होने चाहिए. अगर इनमें से कहीं भी एक भी चीज में भी अगर प्रॉब्लम रहेगी तो हमें उतनी डिजायर्ड क्वालिटी के क्रॉप्स नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए थे. ठीक है, तो सीड्स आर सोन मैन्युअली बाय ब्रॉडकास्टिंग और बाय सीड ड्रिल्स. ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है वो खुद ही हाथ से लेके स्कैटर कर देते हैं पूरे फील्ड में, या फिर सीड ड्रिल्स लेते हैं जिससे इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को ड्रिल करके सॉइल में डाल दिया जाता है. फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. एक बार हमने जब सीड्स को सो कर दिया तो नेक्स्ट है हमारे प्लांट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे फोकस करना कि उसको कितने मैन्योर्स की जरूरत है, कितना फर्टिलाइजर चाहिए. तो अब देखो प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स उनकी ग्रोथ के लिए. तो ये न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते कहाँ से हैं? जनरली उनको सॉइल से. तो सॉइल में कई बार न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी रहती है जिसको हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के थ्रू पूरा करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो दो तरह के तरीके हैं जिससे हम लोग इनको ऐड कराते हैं. नेचुरल मेथड एक है फील्ड फेलो, दूसरा क्रॉप रोटेशन. फील्ड फेलो क्या करता है? मेथड ऑफ लीविंग द फील्ड विदाउट कल्टीवेटिंग एनी क्रॉप टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. पहले क्या करते थे, पहले के टाइम पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जब प्रैक्टिस किया करते थे लोग, तो वो कुछ साल एक जगह पे क्रॉप उगाने के बाद उसको कुछ साल के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते ताकि सॉइल ने जितनी फर्टिलिटी लूज की थी वो फिर से रीगेन कर सके. तो उस प्लॉट ऑफ लैंड को जहां पर अभी तक कल्टीवेशन चल रहा था उसको वेकेंट छोड़ दिया जाता था 2 या 3 साल के लिए ताकि वो अपनी लॉस फर्टिलिटी को फिर से रीगेन कर सके. तो ये वाला कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता था, इसको बोलते हैं फील्ड फेलो. इसमें कुछ टाइम के लिए लैंड को छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी लॉस फर्टिलिटी को फिर से रीगेन कर सके और फिर हम उस पर कल्टीवेशन दोबारा स्टार्ट करते हैं. दूसरा है क्रॉप रोटेशन. इसमें क्या है, हम ऑल्टरनेटिवली 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप सेम पीस ऑफ लैंड पे उगाते हैं सेम ग्रोइंग सीजन में. इसमें एक क्रॉप तो होती है हमारी जो मेन होती है, दूसरी का काम होता है जो उसके साइड बाय साइड न्यूट्रिएंट लूज कर रहा है वो सॉइल, वो उसकी लॉस फिर से, वो अपने उस लॉस न्यूट्रिएंट को फिर से रीगेन कर सके, वो सॉइल में फिर से रीप्लेनिश हो सके. तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के डिफरेंस की तरफ एक बार नजर मारेंगे. मैन्योर्स वो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो एनिमल वेस्ट और प्लांट रेजिड्यूज से बनाए जाते हैं. फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं. फिर मैन्योर्स का सेकंड देखते हैं, दीज आर रिच इन ह्यूमस बट नॉट इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं होते. फर्टिलाइजर्स ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन ह्यूमस कम होता है इनके अंदर. मैन्योर्स दे आर क्वाइट बल्की एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसफर, दे आर वेरी हैवी. फर्टिलाइजर्स बहुत लेस बल्की होते हैं और बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है. तो बेसिकली हमें दोनों को ध्यान में रख के दोनों का एक प्रोपोर्शनेट लेवल हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन में इनको सॉइल को दिया जाता है ताकि हमारी जो क्रॉप है उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सकें. नेक्स्ट स्टेप, जब हमने मैन्यूअल फर्टिलाइजर डाल दिया तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें ध्यान रखना है कि हमारे प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी इरिगेशनल नीड्स पे हम ध्यान रखेंगे. तो मॉडर्न मेथड्स जो इरिगेशन के वो अब जो डेवलप हुए, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप इरिगेशन. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर्स होते हैं जो रोटेट करते रहते हैं पार्क्स में. दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप्स के थ्रू पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप
उस जगह जाया जाता है जहाँ पर एक्चुअली हमारी सॉइल में हमारे प्लांट की रूट्स को जिसकी जरूरत है। इन दोनों का जो मेन पर्पस है वो है कम वाटर यूटिलाइज करना और एफिशिएंसी मैक्सिमम बढ़ा देना वाटर की, ठीक है। वाटर जो जितना वाटर हम यूज करें उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कम वाटर यूज होता है। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड एंड पेस्ट्स। वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और पेस्ट होते हैं हमारे वो ऑर्गेनिजम्स, वो इंसेक्ट्स या वो पेस्ट जो हमारे एनिमल्स जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वीडिंग के अगर बात करें, दे कम्पीट विद द क्रॉप्स फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट एंड देयरफॉर रिड्यूस क्रॉप यील्ड। तो वीड जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं वो हमारी जो मेन क्रॉप है उनके साथ वो कंपटीशन में आ जाते हैं। क्या क्या है, उनकी भी सेम रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की, मिनरल्स की, सनलाइट की। तो हमारे क्रॉप का जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, उस पे उसकी ग्रोथ पे हिंडरेंस लेकर आते हैं, वो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है, आउटपुट कम हो जाता है। तो इससे ये हमारे लिए बहुत नुकसान वाली चीज है। अमेरांथस इज वेरी कॉमन वीड विच ग्रो विद ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप। सो एक कॉमन वीड है जो हमारा ऑलमोस्ट हर क्रॉप के साथ ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है बेटा, वीडिंग कैन बी डन मैनुअली यूजिंग अ ट्रॉल और अ हैरो और बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो कई बार हम लोग इसको, हाँ होल्ड ऑन, तो वीडिंग हम लोग मैनुअली भी कर लेते हैं, हम लोग ट्रॉवल यूज करते हैं ताकि हम उन वीड्स को रूट से रिमूव कर सकें उनके निकाल के। और दूसरा मेथड क्या है, हम सीड ड्रिल के अंदर ही केमिकल्स को यूज कर लेते हैं जिन्हें वीडिसाइड्स बोला जाता है। हम सीड्स के साथ साथ उन केमिकल्स को भी प्लांट कर देते हैं, ऑलरेडी सॉइल के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वीड्स आसपास वो ग्रो ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल 2D 4D और इसके अलावा डेलोपन, सीनियाजाइन और पिक्लोरम, ये भी वो वीडिसाइड्स हैं जो अनवांटेड प्लांट्स को हमारे रिमूव कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारी पेस्ट्स की। पेस्ट कौन से होते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स को अटैक करते हैं, उन्हें डैमेज कर देते हैं, ठीक है। हम पेस्टिसाइड्स दे के इन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्टिसाइड कुछ नहीं होता, जैसे हम लोग मॉर्टीन वगैरह यूज करते हैं जो केमिकल्स हैं, पॉइजनस होते हैं हमारे इनके लिए, इंसेक्ट्स के लिए और मॉस्किटोज के लिए। तो सेम वे पेस्टिसाइड्स भी पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, ये किल कर देते हैं इन पेस्ट को, साथ साथ उनके एग्स को और लार्वे को भी, लेकिन ये प्लांट्स को कोई इफेक्ट नहीं डालते। पेस्ट से प्लांट की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, ये सिर्फ उन इंसेक्ट्स को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। अब हमने देखो साइड बाय साइड सारी चीजें कर ली हैं, हमने फर्टिलाइजर मैन्योर भी दिए, फिर हमने इरीगेशन का भी ध्यान रखा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स भी दे दिए। अब जो हमारे क्रॉप्स हैं वो अपनी मैच्योर स्टेज में आ गए हैं, जो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ थी उसको अचीव कर चुके हैं, अब उनकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया। हार्वेस्टिंग क्या होती है, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम फील्ड्स। तो फील्ड्स को काट के हम क्रॉप्स को हम जो गैदर करते हैं मैच्योर क्रॉप्स को, इसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम लोग थ्रेशिंग प्रोसेस के थ्रू जो एडिबल पार्ट होता है ग्रेन, एडिबल यानी जिसको आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, उसको हम रिमूव कर देते हैं किससे, स्केली और इनएडिबल शाफ से। इनएडिबल मतलब जिसको आप कंज्यूम नहीं करोगे, जैसे अगर वीट है, वीट में सिर्फ गेहूं का दाना ही हमारे काम का होता है, बाकी सब हमारे लिए नुकसान होता है, बाकी सब हमारे लिए कुछ भी यूज का नहीं होता, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ट्रॉवल होती है, जैसे ट्रॉवल की अगर बात करें, वीडिंग कैन बी डन मैनुअली यूजिंग अ ट्रॉवल, होती है खुरपी। मैं एक सेकेंड होल्ड करो, मैं आपको वो दिखाता हूँ पिक, होल्ड ऑन। तो थ्रेशिंग क्या होता है, जो हमारा ग्रेन होता है, ग्रेन का जो एडिबल पार्ट होता है जिसे हम कंज्यूम करना होता है, हम उससे बाकी जो अनवांटेड पार्ट है जो हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट होता है, थ्रेशर उसको एडिबल पार्ट को अनएडिबल इनएडिबल पार्ट से दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर देता है, ठीक है। कंबाइन हार्वेस्टर क्या करता है, एक ऐसी मशीन होती है जो हार्वेस्टिंग का काम भी करती है, क्रॉप्स को काटती भी है और साइड बाय साइड थ्रेशिंग भी करती रहती है, दोनों काम करती है। कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर बहुत बड़े बड़ी मशीन्स होती हैं, पंजाब के जो फार्म्स हैं उसमें यूज की जाती हैं। एक मिनट, मैं आपको कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर की पिक दिखाता हूं।
ये जो मशीन्स है हमारे, ये कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर है। पंजाब के जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, जितने भी बड़े जो रिच फार्मर्स हैं, वो सब इन मशीन्स को रखते हैं। इनका काम बहुत होता है, ये हार्वेस्टिंग भी करती हैं साइड बाय साइड, ग्रेन के ग्रेन और शाफ को भी अलग अलग करती रहती हैं। तो वापस से एक बार अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, रिवाइज करते हैं चैप्टर को कंटिन्यू। इसके बाद विंड विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चॉप। अगर पहले के टाइम पर क्या होता था ना, एक तरफ पे फैन लगा देते हैं, एक हाई स्पीड फैन वाला। अब जो ग्रेन है, ग्रेन हैवियर होता है शाफ से, तो जब इनको काट हार्वेस्ट करके इकट्ठे रखते थे, तो हम लोग विनोइंग मेथड को यूज करते थे, जिसमें जो ग्रेन होता था वो तो वहीं के वहीं गिर जाता था, और शाफ जो बहुत लाइट होता था वेट में, वो विंड के साथ ब्लो करके आगे चले जाता था। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप स्टोरेज का। तो स्टोरेज कैसे की जाती है, ग्रेनरीज, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन ग्रेनरीज और साइलोस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रोडेंट्स, माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स। इनसे प्रोटेक्शन के लिए रोडेंट्स कौन होते हैं, जैसे रैट्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स जो क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में रखते हैं और साइलोज में रखते हैं, और साइड बाय साइड मेडिसिंस डाली जाती हैं ताकि इंसेक्ट्स और रोडेंट्स वगैरह इनको कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो हम लोग मेडिसिंस का बहुत ध्यान रखते हैं जब भी स्टोरेज की बात आती है, ठीक है। इसके बाद आता है इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस। क्रॉप प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैंड अंडर कल्टीवेशन। अगर सेम पीस ऑफ लैंड है, हम उससे जितना मैक्सिमम हो सके क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमें प्रोडक्शन इंप्रूव करना है, तो हम उससे क्या करेंगे कि हमें लैंड को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अभी मान लो हम 2 acre लैंड पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं हमारी प्रोडक्शन बढ़े, तो हमें 2.5 acre 2.5 acre लैंड को लेना पड़ेगा या 3 acre लैंड को लेना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ये उस पर डिपेंड करता है कि हम प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ाना चाहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड्स की बाय इंक्रीजिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन। ये एक मेथड है बेटा, लैंड अंडर कल्टिवेशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, तो दूसरा आता है बाय इम्प्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल 1960 में हमारा क्या आया था, अगर हम बात करें हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो 1960s में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, और इसने वर्ल्ड को या इंडिया को क्या दिया, इसने दिया HYB सीड्स। HYB का मतलब ही क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है हमें, इससे सबसे बड़ा फायदा हमें ये हुआ कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी यील्ड पर हेक्टेयर। पहले हम लोग मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, पहले 1 acre से हम लोग सिर्फ 1300 kg ग्रेन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या वीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जब हमने HYV सीड्स को यूज करना शुरू करा, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ के 1300 के बजाय 3000 kg पर एकड़ तक चली गई। तो दिस इज अनदर मेथड। पहला है कि जितना लैंड है हमारे कल्टीवेशन में, उतना उसको हम बढ़ा दें। दूसरा है हम मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें, जैसे HYV सीड्स को इम्प्रूव करें। इसके बाद आता है तीसरे मेथड की अगर हम बात करें, तो तीसरा आता है बाय डेवलपिंग बेटर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बाय प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग की जाए ताकि हमें दो तरह की क्वालिटी के सीड्स, मान लो एक है जिससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, दूसरा है उस जिसका सीड बहुत हेल्दी है, अगर इनकी क्रॉस ब्रीडिंग हो जाए तो हमें एक ऐसा सीड मिल सकता है जिसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगी और सीड भी बहुत हेल्दी हो, तो उससे हम तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो इससे हमें बार बार रिसर्च करने की जरूरत है, प्लांट ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर हम नेक्स्ट अब, तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक यूज फॉर प्लांट ब्रीडिंग इन विच न्यू वैरायटीज विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू डिजीजेस आर डेवलप्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे उस मेथड का नाम है जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं और हम ध्यान रखते हैं हम नई नई वैरायटी के सीड्स को प्रोड्यूस करें जिनके पास कौन कौन से फंक्शन हो, हमारे जो हमारे हाई यील्ड पे भी ध्यान दें, दूसरा डिजीजेस से भी रेजिस्टेंट हो, यानी उनको डिजीजेस भी ना लगे जल्दी जल्दी, तो इन दोनों पे ध्यान देंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना, इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस तक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।